वो गुंडे तो छेड़खानी करके भाग जाते हैं लेकिन आप जैसे गुंडे हाथ के पीछे पड़ जाते हैं कैसी बातें कर रही हो गोरी मैम? हम कौन के पीछे पड़ गए अरे, अरे आप तो एक गरीब मजबूर मजलूम औरत के पीछे पड़ गए थे गोरी मैम हम हम एक मजबूर औरत के पीछे पड़ गए हैं और हमें पता तक नहीं है हाँ हाँ आपको क्यों पता होगा क्योंकि आप जैसे सोच के आदमी के लिए तो औरतों की इज्जत के साथ खेलना एक बहुत मामूली बात हो गई ना लेकिन गोरी गोरी मैं नहीं गोरे तो आप थे आप जिसका दिल काला था जिसने भारतीयों को अपना गुलाम बना कर रखा था और आपकी आंख में वासना की आग थी और आपकी मूछों से मूछों से अयाशी टपकती थी मेरा बस चलता ना तो मैं चप्पल को कीचड़ में भिगो भिगो कर भिगो भिगो कर आपको पीटती आपका मुंह काला कर देती आपको गधे पे बिठाती और जूतों की माला पहना के पूरे कानपुर में घुमाती अरे आप कैसे अरे गोरी गो, गोरी मैम पूरा एपिसोड देखिए सी फाइव पर बच्ची कैसन बा अम्मा जी अम्मा जी का बताए हाथ तो लड्डू के भैया ने आती कर दिया है का आती कर दिया वो बोलने बता जरा हमको अम्मा जी का बताए वो लड्डू के भैया तो गुलबिया के हाथ धोकर पीछे पड़ गए थे कौन गुलबिया तुम्हारी दूध वाली हटिया हाँ अम्मा जी पिछले जन्म वाले गुलाबी की बात कर रहे हैं हम वो जो अनीता जी थी अच्छा मतलब वो पिछले जन्म में जो तुम्हारी नौकरानी थी मतलब वो गोरी बिटिया के पीछे पड़ा है हाँ माँ जी वो हमरा जन्मदिन था ना उसकी पार्टी में वो अनीता जी डांस कर रही थी हाँ अब फिर और लड्डू के भैया भी उसको घूर घूर के देख रहे थे उसके साथ छेड़खानी कर रहे थे ये बोल तो हाँ तो फिर क्या हुआ आ, फिर वो गुलाबिया को गुस्सा आ गया वो वहां से निकल गई तो उसके बाद उसके पीछे और हप्पू सिंह और लड्डू के भैया भी एक कमरे में चले गए हाँ हाय राम पता नहीं का किए होंगे छिछोरे लोग गोरी बिटिया के साथ में बोलो आगे का हुआ फिर हम सब गए उस कमरे में हाँ फिर हुआ उस कमरे में का हो रहा था बताओ हाँ वही तो हमको पता करना है अम्मा जी के उस कमरे में हुआ क्या था नमस्ते गुलाबिया जी सॉरी भाभी जी। ये क्या बदतमीजी है तिवारी जी जी हाँ हाँ हमने ऐसा क्या किया भाभी जी आपने मेरे साथ बदतमीजी की है बदतमीजी माफ कीजिएगा भाभी जी हमने आपके साथ बदतमीजी की और हमें ही नहीं पता मैं पिछले जन्म की बात कर रही हूँ। जब मैं अंगूरी जी की पार्टी में नाच रही थी तो आप आप मुझे घूर-घूर के देख रहे थे भाभी जी जैसा कि अंगूरी ने बताया है कि वो राय बहादुर गुलाबचंद थे जो गुलाबिया का नाच देख रहे थे अच्छा और राय बहादुर गुलाब चंद कौन था वो हम थे बाबी जी और गुलाबिया कौन थी वो आप थी Exactly। बताइए तिवारी जी टेल मी उस दिन आपने मेरे साथ कमरे में क्या बदतमीजी की भाभी जी अब हम आपको क्या बताएं ये, ये ये क्या क्या अरे अरे बताइए तिवारी जी आपने मेरी बीवी के साथ उस कमरे में क्या बदतमीजी करी अरे हम बता भाभी जी के साथ क्यों बदतमीजी करने लगे हो भाई तो उस कमरे में क्या घुया उखाड़ने गए थे आप अरे हमें हा, क्या पता कि हम क्या उखाड़ने गए थे एक बार मुझे पता चल जाए कि आपने अन्नू के साथ क्या बदतमीजी की थी जिसे देख कर भाभी थी तो भाई गॉड मैं आपका जा दूंगा। वो तो मैं अंगूरी जी से सारे राज उगलवा कि आखिर उस रात उस कमरे में हुआ क्या था यस यू मस्ट तुम तो चुप ही रहो झरना झाकू अंगूरी जी ध्यान लगाइए बताइए और क्या हो रहा है? मालकिन हाँ हमारे दरवाजे पर कौन दस्तक दे रहा है हाँ कौन है? मालकिन मंगी हाथिया ये तो मंगीलाल आ गया है कौन? मंगीलाल मंगी आया है ये मंगीलाल क्या करते आया है हाउ डाइ ना मुझसे क्यों पूछ रहे हैं आप तिवारी जी एक मिनट पूछ रही हूँ ना सॉरी भाभी जी आगे बताइए अंगूरी जी वो क्या चाहिए मंगीलाल मार्किन भीतर आ जाए मालकिन आ जाओ कमरे का कचरा साफ हो चुका है तो तुम क्यों आए हो यहाँ पर आ, हम उसको बोले कमरे का सफाई हो गया है तो तुम क्यों आए हो जब कमरे की साफ सफाई हो गई है तो कमरे में घोया लेने गए थे आप उससे पूछ रहे यार बस मंगी लाल आप एक काम कीजिए तिवारी जी आप ही कर लीजिए ना बात मैं नहीं करती अपना काम सॉरी भाई आप जा, जारी रखिए मंगीलाल आपके कमरे में क्यों आया हाँ पूछ रहे पूछ रहे बहादुर नाम का जो कचरा आपका दिमाग में भरा हुआ है वो निकालने है। कहा? हमारा पाव तपाने का जरूरत नहीं है <laughs> और राय बहादुर गुलाब चंद के बारे में दोबारा ऐसी बात नहीं बोलना छोटा मुंह बड़ी बात मालकन लेकिन राह बहादुर गुलाब चंद आपका लायक आदमी नहीं है तो घटिया आदमी पाव दबाए कहा हमारा पाव दबाने का जरूरत नहीं है और हमको लड्डू के भैया के खिलाफ भड़का रहा है बताइए और क्या हो रहा है राय बहादुर गुलाब चंद के बारे में तुम्हारा ये बात बोलने का हिम्मत कैसा हुआ माफ करिएगा राय बहादुर गुलाब चंद बहुत असमी का राय बहादुर के खून में अशी होती है अयाशी उनकी शान होती है भाभी जी के सामने तो हम आपसे ज्यादा बात कर नहीं पाए लेकिन आपको हमारे एक सवाल का जवाब देना होगा किस सवाल का जवाब चाहिए आपको आप पिछले जन्म में हमारी बीवी को काहे भड़का रहे थे कि वो हमें छोड़ दे पिछले, पिछले जन्म में क्योंकि पिछले जन्म में आप एक बहुत ही अश आदमी थे और आपने भाभी जी से पांचवी शादी की थी अगर हमने अंगूरी से पांचवी शादी की भी थी तो आपके गुर्दे क्यों लाल हो रहे हैं क्योंकि आप जैसे अयाश आदमी को कोई हक नहीं पहुंचता कि आप भाभी जी जैसी मासूम औरत की जिंदगी बर्बाद करें चलो <laughs> क्या वो भैया किसने किसकी जिंदगी खराब कर दी इस आदमी ने पिछले जन्म में भाभी जी की जिंदगी बर्बाद की है इस आदमी ने <laughs> वो क्या है कि पिछले जन्म में अंगूरी हमारी यानी कि राय बहादुर गुलाब चंद की बीवी थी और ये हमारे नौकर थे <laughs> मंगी लाल और ये हमारी बीवी को हमारे ही खिलाफ भड़का रहे थे कि वो हमें छोड़ दे क्या हो गया आपको मुझे फाड़ रहे हैं इतना आप। <laughs> तो है। Welcome to Welcome to <laughs> मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि इस मोहल्ले में सिर्फ मैं ही पागल नहीं हूँ आप भी पागल हैं <laughs> वो क्या कहते हैं कि हम तो अकेले चले थे मगर मेंटल मिलते गए कारवा बनता गया <laughs> बिल्कुल ठीक बकरा भैया अब इन दोनों लो भाई लोगों को भी है ना आपकी तरह शौक की जरूरत है <laughs> पिछला जन्मड़ पकड़ी एक हसीना थी एक दीवाना था आई लाइक इट पूरा एपिसोड देखिए जी पर